हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। इससे पहले एक वीडियो और मैंने अपलोड किया है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के बारे में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सन 1956 से 1964 तक के कंप्यूटरों को सेकेंड जनरेशन माना गया है, यानी कि 1956 से 1964 के बीच में जितने भी कंप्यूटर आए हैं वो क्या थे, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर। और इन कंप्यूटर में क्या किया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का। और इससे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था, वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर थे हमारे ट्रांजिस्टर, इसलिए वैक्यूम ट्यूब को हटा करके उसकी जगह पर क्या किया गया, ट्रांजिस्टर को लगा दिया गया। कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, विलियम सोकले ने, और उनके सहयोगी द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1947 में किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए वरदान साबित हुआ। क्या हुआ, वरदान साबित हुआ, क्योंकि क्या था, ट्रांजिस्टर का उपयोग होने से कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति सामने आई। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग करना पहले से क्या हो गया, आसान हो गया, यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से आसान हो गया था हमारा सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार क्या था, प्रथम पीढ़ी की तुलना में कम हो गया था। जो फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो आकार में बड़े थे, और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर क्या हो गए, आकार में छोटे हो गए। तथा इनकी प्रोसेसिंग की गति में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी इसकी स्पीड भी क्या होगी, इनकी फास्ट हो गई, यानी कि सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ होने लगा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे बड़ी बात यह थी कि इन कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एक से दो व्यक्ति पर्याप्त होते थे, यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हमें और ज़्यादा लोग चाहिए होते थे, लेकिन सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में एक से दो लोग पर्याप्त होते थे कंप्यूटर को चलाने के लिए। लेकिन क्या है, ये भी कंप्यूटर क्या हुआ, आकार में काफ़ी बड़े थे। फर्स्ट जनरेशन से तो छोटा था, मतलब प्रथम पीढ़ी से तो छोटा था, लेकिन फिर भी ये काफ़ी बड़ा था। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान नहीं था, मतलब एक जगह से इसको दूसरे जगह ले जाना में बहुत मुश्किल आती थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय थे। ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट युक्ति यानी कि सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो सेमीकंडक्टर मेटल से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेमीकंडक्टर मेटल से बनी होती है। जो ट्रांजिस्टर है वो किससे बने होते हैं, सेमीकंडक्टर मेटल से बने होते हैं। यहाँ ट्रांजिस्टर का वही कार्य है जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का था, यानी वैक्यूम ट्यूब को ही रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। तो दोनों सेम काम करते थे, बस ये क्या था, उससे फास्ट था, उससे छोटा भी था। ट्रांजिस्टर का आकार वैक्यूम ट्यूब की तुलना में क्या था, बहुत छोटा था, और इसमें विद्युत की खपत भी बहुत कम होती थी, यानी बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। प्रथम पीढ़ी की तुलना में ये अधिक विश्वसनीय यानी कि रिलायबल थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर क्या थे, ज़्यादा रिलायबल थे, और इनकी स्पीड भी क्या थी, फास्ट थी फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले। इस पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर को प्राइमरी मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया गया। मैग्नेटिक कोर को क्या किया गया, जो मैग्नेटिक कोर थे इस पीढ़ी में क्या किया गया, प्राइमरी मेमोरी के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया। इसको मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी के लिए उपयोग किया गया। किसके लिए उपयोग किया गया, सेकेंडरी यानी स्टोरेज करने, किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, जो भी डाटा उस टाइम जो भी फाइल वगैरह थी उनको स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया गया। इसी दौर में यानी कि सेकेंड जनरेशन में ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें मुख्य रूप से क्या थे, कोबॉल और फोर्ट्रॉन नामक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज इसी पीढ़ी में शुरू हुई। इस पीढ़ी में क्या शुरू हुआ, कोबॉल और फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या हुआ, आविष्कार। पीढ़ी में कई कंप्यूटर का निर्माण हुआ, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से कंप्यूटर थे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, जैसे कि IBM 3730, हनीवेल 400, CDC 1604। अब देख लेते हैं हम एडवांटेज क्या हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के, क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग होने से कंप्यूटर का आकार क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की गति अधिक हो गई, ठीक है। क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले इनमें क्या हो गया, इनकी गति भी जो इसकी स्पीड थी वो भी ज़्यादा हो गई, और आकार में भी ये क्या हो गया, छोटा हो गया। और डाटा सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड के साथ साथ क्या हुआ, मैग्नेटिक टेप और डिस्क का उपयोग होने लगा। पंच कार्ड तो था ही, उसके साथ साथ क्या हुआ, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का भी प्रयोग होता था। कंप्यूटर में डाटा संग्रहित रखने के लिए मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग होता था, यानी मैग्नेटिक ड्रम को हटा करके वहाँ पर मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग होता था सेकेंड जनरेशन में। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा के स्थान पर उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया। मशीनी भाषा हटा करके क्या किया गया, उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया गया, जैसे कि फोर्ट्रॉन और कोबॉल एट्सेट्रा।
अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं देख लेते हैं सेकंड जनरेशन के। तो यह कंप्यूटर साइज़ में बड़े होने के कारण इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में परेशानी होती थी, यानी ये कंप्यूटर अभी इतने छोटे नहीं हुए थे कि इनको हम कहीं भी ले जा सकें। जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को तो हम ले ही नहीं जा सकते थे, लेकिन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर को लेके जा सकते थे, लेकिन लेके जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत आती थी। इस कंप्यूटर का रख रखाव काफ़ी कठिन था। इस कंप्यूटर को चलाने के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का ज्ञान हर किसी को नहीं होता था, यानी ये कंप्यूटर को हर कोई नहीं चला सकता था। वही चला सकता था जिसको उच्च प्रोग्रामिंग भाषा का ज्ञान हो, उसकी नॉलेज हो, वही इस कंप्यूटर को चला सकता था। इस कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए वातानुकूलित कमरे की जरूरत पड़ती, यानी इस कंप्यूटर को भी एसी की जरूरत पड़ती थी इसका टेम्परेचर बनाने के लिए, मतलब इसको रखने के लिए ताकि हीट ज़्यादा ना हो, इसके लिए एसी की जरूरत पड़ती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल।